और भगवान के कृपा से करते उसकी कलाई का निरंतर बनी रहे। हम जानते हैं माता मरियम हमारे माता है, ईश्वर के पुत्र के माता है और हमारी कलाई का पत्नी के पिता ने ली है। हम अपने माता मरियम की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माता मरियम क्योंकि आप हैं और मेरे बच्चों की सगाई का ये नाम मैंने मेरे बेटी और प्रार्थना करते हैं करते हैं। हम जब देखेंगे अपने करीब त्याग के जो दृष्टि को देखेंगे कोई भी एक प्रार्थना कोई बैठ के एक दिन बैठ के लिखा नहीं है, उस हरेक व्यक्ति के पीछे एक कहानी है एक अनुभव है। जब हम माता मरियम के पुत्रियों की कढ़ाई घर के बारे में आते के मान आते के रूप में माने जाते थे, लेकिन जब तुर्क के साम्राज्य ने यूरोप को आक्रमण करने के लिए सोचा और बाद में जब नेपोलियन ने पूरे यूरोप को आक्रमण करने के लिए सोचा, तब भक्त बाबा ने पूरे यूरोप को पवित्र माता मरियम के सामने समर्पण किया और हर एक व्यक्ति गली गली में पवित्र माला जप माला पकड़कर इतना प्रार्थना करते रहे और बुद्ध के साम्राज्य को और नेपोलियन के साम्राज्य को उसने आक्रमण से बचा लिया। उसके परिणाम स्वरूप संत बाबा ने अपने प्रार्थना में इस प्रकार पाठ किया और उसके लिए योगाग बना दी जाएगी उद्योग की माता मरियम पुत्रियों के पास में गए सगाए। जब हम एक प्रार्थना करते समय को एक विनाश और हम एक हमारे स्वरूप में रखना है, जब हम हर एक प्रार्थना के पीछे कहानी एक अनुभव है। आज हम माता मरियम को हमारे सिपाही घर के रूप में हमारे आत्मीय आत्मीय के रूप में हम मानेंगे तो हम माता मरियम हर समय हमारे साथ रहती है हमारे पास रहती है हमारी सिपाही घर करने के लिए। और जो करोड़ नामक के लड़का का लेकिन आगे की जब सफाई मिलाएगी तो आपको सबसे पहले आएगा करुण नामक लड़का कौन है। करुण नामक लड़का हर दिन की तरह स्कूल जाता था और स्कूल से वापस आता था। एक दिन उसके पास स्कूल से वापस आते समय उसके पापा ने बताया कि आपका माँ अभी मर गई है, माँ मर चुकी है। इस खबर सुनने के बाद उसके बड़ा दुख लगा क्योंकि वो अपने माँ से बहुत जुड़े थे, उसके साथ हर समय लगे रहते थे। स्वर्ग उसे पास के विद्या लग जाते माता मरियम के मूर्ति के सामने सुंदर देखे एक प्रार्थना की, हे मां मरियम मैं जब नहीं चाहता कि आप तो मेरे मां को जल्दी है इस बात को बता दिया है। मैं एक बात जानता हूं अब से आप मेरे मां से आपको कठोर रूप से समर्पण करता हूँ। वह लड़का करो नाम का लड़का जो आगे चल के जो हमारे संत पापा बने जोर जोर किए और ये करो नाम का लड़का आप उनके चित्र में देखे होंगे। जब उनके और जो गोली चला दिया तो उसको गोली निकाल के पास काम जाके उसके मुकुट में और आप एक चित्र देखते होंगे इस प्रकार माता मरियम ने एक किताब के गले लगा के इस प्रकार करे और सब समय माता मरियम की सगाई का करने के लिए इस जीवन में एक बार आती रहती है उसको ये कहानी बताते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों इस प्रकार माता मरियम हमारे साथ में जुड़े रहती है हमारी सगाई का करने के लिए हमारी करीब जो क्रिया में जो है उसके जो पगने के मारे में
कंपनी के लिए जो इन जरूरत है उनके आवश्यक संपर्क वो उनके पास नहीं जाती है, वो किसी के लिए इस पास चली जाती है, किसी जवाब के लिए किसी लड़ाई आ रही है। आप उस अंतर जो है किसी समाधान के लिए पड़ते हैं। जब काना के जवाब के खोज में जब अंदूरी समाप्त हो जाती है जाते हैं उस समय वह अपने मुख से मानती है कि जो परिवार के हमारे पास व्यवस्थित को जानती है और इस तरह से हमारे पास का उत्तर आती है क्योंकि वह हमारे मां है, वह हमारे मां की तरह बनी है। ईश्वर ने अपने पुत्र का नाम लेने के लिए एक आयत दिया है गिरावट दिया, लेकिन पुत्र ने जब पुत्र को मर रहे थे इस समय की जब पुत्र को मर रहे थे तो अपने मां को बुलाया बदले ये तुम्हारा बेटा है आपने प्रिय चीज से कहा है ये तुम्हारा प्रिय पुत्र है प्रिय मां है अपने पुत्र और अपने मां को अपने गर्भ में ले जाती है। उस प्रकार मध्य समय सामर्थ्य ने अपने मां को हमारे मां के रूप में दिया है सबसे वह हमारा मां है वह हमारे लिए पास के लिए हमारे पास आ जाती है हमारे अपने काम को देखती रहती है। जो मैंने बताया कि आप सब तो ठीक है इससे सबसे बड़ा आवश्यकता है जिससे हम सब को सुख राज में पहुंच जाए। आप लोग सब देखेंगे जब इसका में पालनो पीछे से दुश्मन क्या है और कुछ मतलब है कुछ हमारे में ये ऐसा है कि मतलब ऐसा है कि कम से कम दुनिया में देखने वाला है ये कौन से विधि विधि के सवाल है दुनिया में देखने वाले सब सभी को चलने के बहुत प्रकार के इसलिए हम इसका में करोगे के समान कौन से विधि को हम सब उसके साथ हम लोग भी हाँ बैठे थे जो विश्वास थी विश्वास के साथ कभी भी बहुत लेन देन कभी भी और चलते रहते हैं उसमें कभी भी और चलने में हमें सबसे बहुत मदद करने वाला व्यक्ति है हमारे प्रिय मानव व्यक्ति जो मेरी किताब का भी और दो बच्चों के बीच में जो भी है उसका प्रबंधन के जीवन में उसका एक कहानी बता दो अपने के लिए हमारे लिए
हमारे प्राप्ति के लिए बहुत निरंतर समान लीजिए प्रार्थना करके मन की समाप्ति रहती है। आज जब हम उसकी जन्मदिन के लिए तैयारी कर रहे हैं हम पिछले सफाई का मन हम क्या क्या कभी हम उनके हिसाब से बोलने चलाते अपने बच्चे के लिए अपनी माँ कहना के लिए अपने बेटे बेटे काम लेने के लिए अपने परिवार की आत्मी जो है अच्छा करने के लिए और अन्य अन्य मौसमों में हम पता करिए क्या आपने कोई फौज बनने के लिए छुट्टी में लगे रहने के लिए तो मेरे शास्त्र मिलने के लिए माता मरियम की सफाई का मन ले रही है। माता मरियम से पकड़े सदभागों के लिए मदद करते हैं। आज मेरे बताया कि इसका गाना के विभाग के अवसर पर जो अंकुर समाप्त होने पर कुछ ने पिछले चित्र के मंच पर आपको आज प्रदान करें।